बात करते हैं मोगा की, जहां पर चोरों के हौसले अब इतने बुलंद हो चुके हैं कि चोरों ने चोरी करते हुए यह भी नहीं देखते हैं कि यह गुरुद्वारा है या कोई मंदिर है या फिर कोई धार्मिक स्थान है। ताज़ा मामला मोगा के लोहारा गांव का है, जहां पर सुबह करीब 3 बजे गांव के 2 गुरुद्वारों में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं चोर पहले एक गुरुद्वारे के गेट पर को तोड़ा और फिर अंदर घुसे और दान पात्र को उठाकर ले गए। वहीं दूसरे गुरुद्वारे में चोरी की घटना को अंजाम देने गए तो वहीं वहां के गंथी सिंह जाग पड़े और चोर वहां से भाग निकले। वहीं घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की जानकारी मिलती ही पुलिस भी पहुंची है और मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। जी मैं तकरीबन 3 साल हो गए थे सेवा करते हैं, तो रात पौने के 3 बजे की गल है, तो 2 जने आए कंध टप्पे वो तो कटर कुटना जिंदा वढ़ता उन्होंने सानू। अभी जो 4 बजे मारा प्रकाश कर लगे तो क्योंकि रैश पास थोड़ी जी, तो 4 बजे प्रकाश कर लगे, जो अभी जाके वेखा ना उत्थे जिंदा, तो जो प्रकाश किया मारा वेख लगे तो गोल कहे नहीं, गोलक लै गए। मैं सुरजीत सिंह लोकल गुरद्वारा कमेटी मैंबर अमृतसर, अते बेनती है भी अज सुबह 3 बजे पौने 3 बजे साढ़े पिंड लोहारा विखे 2 गुरद्वारे सी, बाबा जीता सिंह ते बाबा नल सिंह जी, दोनों दे विच चोरां ने कोशिश बहुत की, पर बाबा जीता सिंह दे गुरद्वारे च मालक दी कृपा हो गई कि सिंह बाहर पिया सीगा। बाबा जीता सिंह जी गुरद्वारा साहब इत्थे खड़े हैं, इत्थे पहला जिहड़े अणपछाते बंदे इत्थे आए, इत्थे उन्होंने कुछ भी हाथ पले नहीं लगा, इतों मौका ताड़ते हुए ज्ञानी साहब के कमरे में मूहरे लॉक ला गए। बाद गुरद्वारा बाबा नंद सिंह जरा सड़क पर है उत्थे गए, उत्थे जाके भी उन्होंने गुरद्वारा साहब का गोलक बाहर चोरी लै गए करके, पर परमात्मा का लख लख शुक्र करते हैं जो साढ़े कोई बेअदबी की घटना नहीं वापरी।